तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है आराम से हो जाए बिल्कुल, ये लगभग 12 वोल्ट के आसपास जो है 11.4746 ऐसे वोल्ट दे रहा है ना। सभी को जय हिंद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है ये जो लोकल चार्जर है, ये जो चार्जर है दोस्तों ये भी मोबाइल का ही चार्जर है, और इसमें जो है ये जो वोल्ट निकलता है इस तार के द्वारा है ना, ये जो तार के द्वारा जो वोल्ट निकलता है जो कि मोबाइल में जाता है वो लगभग 5 से 6 वोल्ट जाता है ना। तो दोस्तों इसको जो है 12 वोल्ट जो है एडेप्टर कैसे बनाएं, इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 12 वोल्ट कैसे निकालें, क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, काफ़ी सिंपल तरीका है ये, कोई जो है ये ओरिजिनल चार्जर है नहीं, ये लोकल चार्जर है। और इसको जो है सबसे पहले हम ओपन करते हैं और फिर आपको बताते हैं जो इससे जो है आउटपुट वोल्ट जो है 12 वोल्ट कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको हम फटाफट ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ओपन हो गया है, और ये जो है ये बिल्कुल चालू चार्जर है। मैं आपको बिल्कुल चेक करके दिखा देता हूँ कि चालू है क्या नहीं है, देखिए है ना। और यहाँ से हम सटाते हैं तो देखिए ये बल्ब जो है लाइट इसका जल रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखना आप है ना, ये लाइट जल रहा है। तो इसका मतलब जो है ये चार्जर जो है बिल्कुल सही है ना। और इसका जो है आउटपुट वोल्ट जो है कितना निकल रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हम जो है इसका कनेक्शन जो है बिल्कुल हटा देते हैं। चलिए ये जो है वायर को हटा दिया मैंने, और इस तार का जो है कनेक्शन कर देते हैं ताकि आपको मल्टीमीटर से जो है वोल्ट जो है चेक करके दिखा देंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों ये जो है मैंने कनेक्शन कर दिया है इसमें, है ना। और ये जो है सीरीज लाइट में आप लगाते हैं, ये देखिए जो है चार्जर में जो है लाइन आ गया है ना। और ये जो है हम मल्टीमीटर से जो है आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि इसका आउटपुट वोल्ट जो है कितना आ रहा है। ये आउटपुट वोल्ट दोस्तों ये यहाँ पे जो है ये देखिए ये यहाँ से आएगा आउटपुट वोल्ट, ये डायोड के बाद है ना, ये प्लस यानी कि ये जो डायोड है दोस्तों सॉरी कंडेंसर है इसमें प्लस माइनस हम चेक करते हैं। तो चलिए मीटर को जो है 20 वोल्ट पे जो है सेट कर लेते हैं, सेट कर लिया मैंने। और यहाँ से जो है ये प्लस है और ये माइनस है, ये देखिए ये जो है 5 वोल्ट 5.5 लगभग 6 वोल्ट के आसपास है, ये है ना 6 वोल्ट के आसपास है ये। तो अब देखो इसको जो है हम 12 वोल्ट कैसे बनाएंगे, है ना। तो देखो ये सिंपल तरीका है, बस आपको कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जो है बहुत सावधानी से जो आपको लाइन वगैरह कट करके ही काम करना है, ये ध्यान दें आप, है ना। तो देखो इसमें जो है आपको देखो आपको ये देखना है सबसे फर्स्ट कि इसमें जीनर डायोड कहाँ पे है और कौन सा जीनर डायोड है, है ना। अगर जीनर डायोड आपको पहचानना नहीं आता है तो ये देख लो दोस्तों, देखो ये आपको जो है जीनर डायोड हो गया, ये भी जीनर डायोड हो गया और ये भी जीनर डायोड हो गया, इसके नीचे ये आपको शायद दिख रहा होगा ये, है ना। ये देखिए जो है ये भी जीनर डायोड है, ठीक है। तो दोनों में से जो है एक जीनर डायोड को ओपन करना है, खोलना है, ठीक है। क्या खोलना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको सबसे पहले ये देखना है दोस्तों कि ये जीनर डायोड में जो है दोनों में से एक खोलना है, आप कन्फर्म कह तो नहीं है कि कौन सा खोलना है। तो देखो जिसमें भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे देखो इसमें जो है लगभग 5.5 वोल्ट निकल रहा है ना, लगभग 6 वोल्ट के आसपास निकल रहा है। तो इसमें जो है 6 वोल्ट का जो है जीनर होगा तभी जो है ये 6 वोल्ट के आसपास आउटपुट दे रहा है, ये निकल रहा है, ठीक है। देखो जीनर का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे वोल्टेज जहाँ ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, वहाँ जीनर लगा देता है तो उतना से ज़्यादा वोल्ट जो है वो आउट सप्लाई नहीं करेगा, अगर ज़्यादा वोल्ट आएगा तो वो जीनर जो है उसको रोक देगा वोल्ट को, है ना, जीनर का यही काम है, ठीक है। अब उससे भी ज़्यादा वोल्ट आ रहा है तो जीनर खराब हो जाता है ना। तो देखो यहाँ पे दोस्तों आप इसमें अगर गौर करेंगे इस जीनर में, है ना, ये वाला जीनर में गौर करेंगे तो यहाँ पे भी जो है इस जीनर में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अगर इसमें अगर गौर करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5, दिखाता हूँ मैं आपको, 6V2 6.2 वोल्ट का जीनर है, ये जो जीनर है 6V2, ठीक है। तो इसका मतलब आप कन्फर्म हो गए कि इसी को हमें उखाड़ना है ना। तो ये 6.2 वोल्ट का जीनर है तो थोड़ा सा जो कम मान होकर जो है आउटपुट सप्लाई कर रहा है, 6 वोल्ट का जीनर है और यहाँ पे जो है 6 वोल्ट से कम जो है सप्लाई कर रहा है ना। तो देखो अगर आपको 12 वोल्ट का जो है जीनर अगर लगाना है ना, सॉरी 12 वोल्ट अगर आउटपुट निकालना है तो यहाँ पे लगभग 14 वोल्ट का जीनर लगेगा, तो यह आउटपुट जो है लगभग 12 वोल्ट देगा, है ना। अब देखो
मेरे पास जो है 14 वोल्ट का जो है जीनर है नहीं, है ना। अगर आपके पास भी नहीं है जीनर तो आपको करना क्या है ये देख लो आप, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, ये जीनर को उखाड़ना है, क्या उखाड़ना, एक साइड उखाड़ना है ना। तो देखो चलिए हम एक साइड जो है इसका जीनर डायोड को जो है टांग जो है एक साइड हम उखाड़ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है जीनर डायोड का जो है एक साइड जो है एक खुट्टी उखाड़ दिया मैंने, एक टांग है ना, ये उखाड़ दिया। अब देखो मेरे पास तो लगभग 14 वोल्ट का जीनर है नहीं, तो आपको करना क्या है, आपके पास कोई और भी किट होगा ना, कोई भी किट होगा उसमें 6 वोल्ट का अगर जीनर और भी एक होगा, ठीक है, उसको सीरीज में लगा दोगे तो काम कर जाएगा, यानी कि 6 6 12 लगभग 13 वोल्ट का जीनर आ जाएगा, है ना। तो देखो मेरे पास जो है एक किट है, ये देखिए दोस्तों मेरे पास जो है एक और भी किट है ना, जो कि 6.2 वोल्ट का जो जीनर इसमें भी लगा हुआ है ना। तो क्या करना है, इसको जो है हमें निकाल देना है, ठीक है। ये देखिए इसको हम निकाल देते हैं, ये देखिए ये निकाल दिया मैंने। अब देखिए एक बात आपको ध्यान देने वाला है दोस्तों, ये देखिए एक तरफ जो है धाड़ी है, ब्लैक कलर का धाड़ी है, और एक तरफ धाड़ी नहीं है, और 6.2 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 6.2 वोल्ट है, यानी कि 6.2 वोल्ट का जो है जीनर है यहाँ पे इसमें, है ना। तो देखो क्या करना है, देखो सीरीज में लगाना है। तो देखो यहाँ पे जैसे एक धाड़ी यहाँ पे इसमें जो एक धाड़ी यहाँ पे है और एक धाड़ी इसका इस साइड आगे में है ना। तो देखो ये जो है इस ऐसे जुटेगा, कैसे जुटेगा, ऐसे जुटेगा। तो देखो हमको क्या करना है, देखो इस साइड से जो लगा हुआ है ये इस साइड धाड़ी नहीं है, इस किट में जो लगा हुआ है इस साइड धाड़ी नहीं है, तो आराम से लग गया, और धाड़ी वाला जो है इस साइड लगा देते हैं। आपको हम थोड़ा सा सही से बता देंगे, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखो आपको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू जो है आपको मैं बता दूंगा, ताकि आप जो है एक बार में समझ जाओ, है ना। देखो ये जो जीनर हम लगाए हैं इसको सीरीज करना है ना, और सीरीज क्या करना है, बस यहाँ से हमें ज्वाइंट कर देना है। ये आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए ज्वाइंट जो है कर दिया मैंने, कर दिए। तो लगभग इसमें से जो है अब जो क्या वोल्ट, कितना वोल्ट आएगा अब आउटपुट, उम्मीद है कि लगभग 11-12 वोल्ट आएगा आउटपुट, है ना। अब देखो आउटपुट तो ज़्यादा वोल्ट आएगा, अब ये करना है आपको, देखो लगभग 11-12 वोल्ट आएगा, तो यहाँ पे कंडेंसर जो है आउटपुट में कंडेंसर 10 वोल्ट का मात्र दिया गया है। ये देखिए आपको जो कंडेंसर है ये 10 वोल्ट का मात्र है ना। तो देखो आपको करना क्या है, कंडेंसर भी चेंज करना होगा, नहीं तो दोस्तों देखो ये जो है लगभग 11-12 वोल्ट आउटपुट देगा, और आउटपुट में जो है लगभग 10 वोल्ट का कंडेंसर है, तो कंडेंसर तुरंत फट जाएगा, तुरंत जो है मतलब हीट होकर खराब हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करना है, हटाना है, और इसके जगह जो है थोड़ा ज़्यादा वोल्ट का कंडेंसर लगाना पड़ेगा, लगभग जो है लगभग 16 वोल्ट 20 वोल्ट 24 वोल्ट इस तरह का कंडेंसर आपको लगाना होगा, है ना। तो देखो मेरे पास जो है एक देखिए कंडेंसर है ना, 220 mFD 16 वोल्ट है ना, और ये 470 mFD 10 वोल्ट है, तो चलिए 220 mFD भी काम करेगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो चलिए हम जो है यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ये ओपन कर लिया मैंने, और तो ये देखिए दोस्तों ये जो कंडेंसर था ये मैंने लगा दिया है ना, और प्लस माइनस जो भी था ये मैंने देख के लगा दिया है। अब देखो अब इसमें लाइन देना है, ठीक है। अब देखिए लाइन देने से पहले एक बात और भी ध्यान रखिए दोस्तों, ये कभी कभी होता क्या है कि जो है LED जो है ऐसे LED का भी ये रेजिस्टेंस जो है ये आप चेंज कर सकते हो, इसके जगह जो है थोड़ा सा ज़्यादा मान के आप लगा दोगे। तो देखो हुआ क्या है कि यहाँ पे 5-6 वोल्ट की जगह जो है लगभग 11-12 वोल्ट आ गया है ना, तो ये LED का उड़ने का भी चांस रहता है, बट जो है हम लगा के देखते हैं क्या होता है, अगर ख़राब होगा तो LED हम दूसरा चेंज कर देंगे, बट आपको हम सिर्फ समझाने के तौर पे दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि ये जो है काफ़ी लोग नहीं जानते हैं तो ये जो है सीख लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये जो है मैंने कनेक्शन वगैरह जो भी था मैंने कर दिया है, ठीक है। देखिए अब क्या है, अब लाइन देके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये जो है LED जो है पहले कंपेयर में ज़्यादा ग्लो किया है ना, और हम जो है मल्टीमीटर से जो है आपको हम वोल्ट चेक करके दिखाते हैं कि वोल्ट जो है कितना निकल रहा है ना। चलिए हम 20 वोल्ट पे जो है ये सेट कर देते हैं, और पहले जो है लगभग 5.6 वोल्ट के आसपास आ रहा था, है ना। और ये जो है ये देखिए ये अंदर डाल दिया, मतलब लाइन दे दी इसमें,
और एलईडी भी जो है ग्लो कर गया है, और इसका जो है प्लस माइनस अब चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है आराम से हो जाए बिल्कुल, ये लगभग 12 वोल्ट के आसपास जो है 11.4746 ऐसे वोल्ट दे रहा है ना। तो ये जो है बिल्कुल बराबर काम कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपको कोई 12 वोल्ट से उपकरण चलाना है तो ये आराम से जो है आपका ये काम करेगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो गया हो आप में, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। और जो है आपको कोशिश करूँगा दोस्तों कि फिर से जो है आपको हम किसी और तरह से जो है वीडियो बना के दिखा दूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। जय हिंद।